Assalamualaikum and good morning to all. कैसे हैं आप सब लोग? सुबह तो कब से हो चुकी है लेकिन पता नहीं इतनी नींदें क्यों आ रही हैं मुझे, नींदियाँ सी। मेरा आज तो कुछ प्लान ऐसा था कि मुझे जाना था कॉलेज, बट मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे फ्रेंड है, उसका हाल ही में हुआ है ब्रेकअप। मैं साथ कॉलेज जाना था तो उसका हो चुका है ब्रेकअप, तो जब तक उसका वो शौक मनाता रहेगा तब तक कॉलेज नहीं जा सकेंगे हम लोग भी। तो आजकल जो स्वीट्स में गाने लगे हुए हैं, मोहब्बत हम ना करेंगे दोबारा, पता नहीं कैसे तरह के स्वीट्स। इसके अलावा मैंने आज सोचा वो कुछ और था और वो कुछ और क्या, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ और सोचा है यार। चलो मेरे साथ के साथ काम से, लेकिन मुझे बहुत गंदी हुई भूखो लग रही है, भूख आज करूँगा मैं नाश्ता। हाँ जी रहीम आ गया है, इसमें ज़रा शौक भी कर लीजिएगा आप सर प्लीज़, ये परसों लूट गया बेचारा। हम पहुँच चुके हैं, रहीम आज लगाएगा वैक्सीन। घर आ चुका हूँ, मुझे जोरों की भूख लग रही है, कोई वहां मेरी चाय बन रही है। वेलकम बैक, मैं फिर घर पे आया, मैंने फिर नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं फ्रेश हुआ और अब मेरे बाल पता नहीं किस तरह से बनेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सेट करना, मेरे पास का काम नहीं, बड़ी मुश्किल से होते हैं ये। इस मुझे एक पोएट्री याद आ गई कि हर किसी को पसंद आ जाऊं ऐसा नहीं हूं मैं, हर किसी को पसंद आ जाऊं ऐसा नहीं हूं मैं, यार मेरा अंदाज बहुत ही सादा है और आजकल बहुत करीब आ रहे हो, क्या छोड़ जाने का इरादा है? अब कुछ बेटर लग रहे हैं। एक तो लाइट का शेड्यूल रोज़ाना ही चेंज हो जाता है, लोड शेडिंग का, कभी किस टाइम जा रही है कभी किस टाइम आ रही है, आज भी पता नहीं कब गई कब आई, अभी भी लाइट नहीं है। मेरा तो खाना पीना हो चुका है, खाने के बाद मैं चल गया सैलेड खाने का, तो कुछ बना हुआ तो नहीं था सैलेड में, तो मैंने खुद जब मैं फ्रीज़र खोला तो मुझे मिल गई फूल नहीं बंद गोभी, मुझे मिल गई कैबेज बंद गोभी मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा था खुद ही मैं कुछ बना लूँ। कहते हैं ना कि कम खाएं बट हेल्दी खाना खाएं, तो ऐसे बंदे होते हैं जो उन चीज़ों से दूर रहते हैं, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह से अक्सर चीज़ें खानी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं और इस तरह तो मस्त खाने चाहिए, क्योंकि ये गोभी और ये जो दही डाला है इसमें मैंने, ये काफ़ी मतलब मैदे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि दही ठंडा होता है बंदों को मैदे का इशू होता है कि जलता रहता है मैदा या कुछ, तो इससे सब मसले हल भी हो जाते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है। और ये जो मैंने बनाया इसमें कुछ मैंने और चीज़ें भी ऐड की हैं, तो इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा आप लोगों को शेयर करूँगा। और यहाँ मुझे अपने टेस्ट की तैयारी भी करनी है, मैं रोज़ बोलता हूँ आज बैठूँगा आज बैठूँगा आज बैठूँगा, वो आज अब तक नहीं आया है, वो आज आएगा तो टेस्ट से दो या तीन दिन पहले या एक दिन पहले आएगा, इतना तो मुझे भी पता है। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और मैं कहाँ गया था, मैंने क्या किया और किस लिए गया था, इसका तस्करा मैं किसी और ब्लॉग में करूँगा। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।